हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपकी जरूरत के हिसाब से एल का एक ऐसा प्लान कॉम्बिनेशन लाई हूं जो आपकी भविष्य की सारी ज़रूरत को हिसाब से बनाया गया है इस प्लान कॉम्बिनेशन में आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेंगे एट लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ और उसकी शादी के लिए आपको मिलेंगे टेन लैख ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ और अपने रिटायरमेंट के लिए आपको मिलेंगे थर्टीन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ इतना सब कुछ आपको मिलेगा वो भी सिर्फ लगभग टू फिफ्टी सेवन रुपीज़ की रोज़ की बचत पर फ्रेंड्स इस प्लान कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी ईएमआई यानी आपकी किस्त कम होती जाएगी इस प्लान के शुरुआत में यानी 10 साल आपको लगभग 7,800 थाउजेंड की ई एम आएगी अगले पाँच साल आपको 4,200 थाउजेंड की ई एम आएगी और आखिरी साल यानी सोलहवें साल आपको लगभग 2,000 थाउजेंड की ई किश्त किस्त आएगी इस प्लान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं उनके खर्च बढ़ने लगते हैं उनकी पढ़ाई और ट्यूशन का खर्च बढ़ने लगता है तो आपकी किस्त भी कम होती जाती है और जब वो ट्वेल्थ में पहुंचता है तो आपको एक साथ एट लाख रुपीस मिल जाते हैं जो उसकी हायर एजुकेशन के काम आ जाते हैं इसी समय आपकी किस्त भी बंद हो जाती है फिर आपको 21वें साल पर दस लाख रुपए और मिल जाते हैं जो उसकी शादी में आप यूज कर सकते हैं फिर 25वें साल आपको तेरह लाख रुपए मिलेंगे जो आप अपने रिटायरमेंट के लिए रख सकते हैं चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक मिस्टर सूरज है जिनकी उम्र तीस साल है और हमने इन्हें जो प्लान कॉम्बिनेशन दिया है उसमें जीवन लाभ तीन बार लिया गया है जिसका सम एश्योर्ड हर बार पाँच लाख रुपए है पहले जीवन लाभ यानी दस 16 यानी दस साल पैसा जमा करके सोलहवें साल में पैसा मिलेगा दूसरे जीवन लाभ यानी पंद्रह साल पैसा जमा करके इक्कीसवें साल पैसा मिलेगा तीसरा जीवन लाभ यानी सोलह साल पैसे जमा करके पच्चीसवें साल पैसा मिलेगा मिस्टर सूरज का पंद्रह लाख का बीमा भी साथ साथ चलता रहेगा तो फ्रेंड्स इस तरीके से मिस्टर सूरज ने तीन बार जीवन लाभ लिया और उन्हें टाइम टू टाइम पैसा मिलता रहा चलिए एक समरी की तरह मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ सबसे पहले जीवन लाभ में उन्होंने दस साल पाँच लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया जो उन्होंने दस साल पैसा जमा किया और सोलहवें साल उनको आठ लाख रुपए मिला जो उन्होंने अपने बच्चे के एजुकेशन में इस्तेमाल किया नेक्स्ट में उन्होंने, उन्होंने पंद्रह साल पैसा जमा किया जो उनको मेच्योरिटी मिल गई इक्कीस साल में यानी इक्कीस साल में उनको दस लाख रुपए मिले जो वो अपने बच्चे के शादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और लास्ट में उन्हें सोलह साल पैसा देकर पच्चीसवें साल पैसा मिला और उनको टोटल मिला तेरह लाख रुपए जो वो जम अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं